चलते हैं इस चैप्टर की रियल नंबर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलें। हमारा टॉपिक है कि कुछ यूजफुल रिजल्ट्स को देखें जिसमें हम इरेशनल नंबर के कैलकुलेशन में हम अपने आप को इजी फील करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बहुत ही जगहों पर आसान आपके कैलकुलेशन को आसान करेगी। सो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यदि ये साबित हो चुका है कि वो अगर इरेशनल नंबर है और उसके पीछे यदि मैं नेगेटिव लगाऊं तो डेफिनेटली वो भी मेरा इरेशनल नंबर होगा। जैसे इसके एग्जांपल में हम बात करें, रूट थ्री पहले से मैंने कहा कि इरेशनल नंबर है, तो यदि मैं माइनस रूट थ्री बोलूं तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। यदि मैं रूट एट बोलूं तो इरेशनल नंबर है, तो रूट अंडर माइनस एट भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अर्थात यदि एक रैशनल नंबर हम ले, एक रैशनल नंबर ले और दूसरा इरेशनल नंबर ले और उनका सम यदि हम करें या फिर उनका डिफरेंस भी देखें तो डेफिनेटली दोनों क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे यदि मैं 5 लिया अब प्लस रूट 3 लिख दिया, ये देखिए ये मैंने रेशनल लिया और ये मैंने इरेशनल लिया। अब एक रेशनल और एक इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेशनल होता है। जैसे रूट 3 माइनस 7, रूट 3 इरेशनल, 7 हमारा रेशनल, इनका कॉम्बिनेशन भी हमें क्या करना है, क्या होता है, तो इरेशनल होता है। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब नॉन जीरो रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या, नॉन जीरो रेशनल नंबर कहने का मतलब जीरो को छोड़ दे, यदि सिर्फ जीरो को छोड़ देना है उसके बाद आप किसी भी रेशनल नंबर को ले ले और एक इरेशनल नंबर ले ले हम और इनका प्रोडक्ट करें तो वो भी रिजल्ट क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। जैसे जीरो को छोड़ना है, नॉन जीरो मतलब जीरो को सिर्फ छोड़ के बाकी किसी भी इरेशनल नंबर को ले ले। जैसे मैं यहां पर 5/3 ही ले लिया और इसे गुना कर दिया, रूट 3 से गुना कर दिया। अब इनका रिजल्ट मैं ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूं तो 5√3/3 लिखूंगा और 5√3/3 लिखने का मतलब हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन बनकर आई ये कॉम्बिनेशन भी कैसी होगी, तो इरेशनल नंबर होगी। जीरो के साथ क्यों नहीं लिया जाता, जीरो के साथ यदि हम ले, जीरो के साथ यदि इस इरेशनल नंबर को ले रूट थ्री, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो हमेशा रेशनल होता है, ये कभी इरेशनल नहीं हो सकता। अगर मैं नीचे 0/√3 भी लिख दू, रूट थ्री भी लिख दू तो भी ये जीरो को ही इंडिकेट करेगा, ये हमेशा रेशनल ही होगा। 0/√7 लिख दूं तो भी ये रेशनल ही होगा, क्योंकि ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना होगा, जीरो ही होगा। हम किसी भी नंबर को जनरली रेशनल या इरेशनल कहने से पहले यहां याद रखेंगे कि क्या उस पर कैलकुलेशन बाकी है। अगर कैलकुलेशन बाकी है, कुछ भी कैलकुलेशन बाकी है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहां पर अगर बात करें √3 + 5, इसमें अब किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे मैं बोलूं x + y, अब इनको जोड़ो, अब इनके जोड़ में, इनके एडिशन में, x + y के एडिशन में कोई एडिशन बाकी है क्या, कोई एडिशन बाकी नहीं। किसी प्रकार का कोई प्रोसेस अब हम नहीं कर सकते, उन्हें हम जो का त्यों छोड़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां 0/√7 पे आए, तो इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन बाकी, क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जीरो के रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो फाइनली कैलकुलेशन कर ही डिसाइड करेंगे हम, अगर कोई भी कैलकुलेशन में बाकी है तो विदाउट कैलकुलेशन हम डिसाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। यदि दो इरेशनल नंबर्स का हम प्रोडक्ट करें, उनका सम निकाले, उनका डिफरेंस निकाले, तो हो सकता है कि वो इरेशनल हो
ये भी हो सकता है कि वो रेशनल हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते चले, सम में ही बात करें पहले, जैसे √3 प्लस √5 की बात करें, √3 √5 ये क्या रह जाएगा, तो इरेशनल रह जाएगा। मैं इरेशनल को आई से फिलहाल इंडिकेट करूंगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले हम, √3 प्लस −√3, देखिए ये भी इरेशनल नहीं है और ये भी इरेशनल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ इरेशनल भी क्या होता है, इरेशनल होता है, पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो जैसे इसका रिजल्ट करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो मेरा क्या होता है, तो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से हम डिफरेंस पर आए तो √7 − √5 लिखा हमने, तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, एक इरेशनल ही होगा। लेकिन जैसे हम √7 में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो इरेशनल नंबर हमने लिया, भले ही इक्वल लिया लेकिन दो इरेशनल ही लिया, तो √7 से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट मेरा जीरो होगा और यह एक मेरा रैशनल नंबर है। अब डिवाइड में बात करें, √4 √3/2, अब इनका डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा √2 √3 और ये क्या रहेगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर √3 ऊपर ले और √3 नीचे ले, √2 √3 नीचे ले, तो ये √2 √3 कर जाएगा और रिजल्ट मेरा आएगा 1/2, और ये 1/2 जो होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये मेरा रैशनल हो जाएगा। अब इसी में प्रोडक्ट का भी अगर एग्जाम्पल देखे हम, तो क्या देखेंगे हम, 2 √7 × 2, ध्यान रहे कि जब हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो √a × √b इज इक्वल टू √a × b। क्राइटेरिया है कि a और b दोनों में से किसी एक को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, a और b मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों में से इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। हालांकि आप अभी फिलहाल आपको जो भी प्रॉब्लम इस तरीके के आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ही आएगा, इस कारण से आप बेहिचक इस कंडीशन को अभी याद आप रखें या ना रखें, आप बेहिचक √a × √b इज इक्वल टू √a × b आप लिख सकते हैं। तो अब जरा हम इसे देखें, इसे अगर देखें √2 √7 को, तो लिखेंगे क्या, √7 × 2 √14। अब देखिए 14 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली ये मेरा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब इसी में हम देखें √2 √2 × √8। अब जरा देखें इसका रिजल्ट हम करेंगे तो 2 × 8 मतलब √16, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसका रिजल्ट 4 होगा और ये मेरा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज आपको अपने कैलकुलेशंस में आपकी सहायता करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करके ये समझते हैं कि हम कैसे जो रिजल्ट हमने पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन हमने लिखा है कि प्रूव √3 − √2 इज नॉट अ रैशनल और या फिर ऑब्लिक इरेशनल, मतलब हमें यह साबित करना है कि √3 − √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा या फिर वो क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि यदि एक रैशनल हो हमारे पास और एक इरेशनल हो और इनका प्लस हो, इनका माइनस हो, इनका प्रोडक्ट हो, इनका डिवीजन हो, खासकर कैसा, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर, सिर्फ जीरो नहीं लेनी है याद रहे, नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा यदि और एक इरेशनल नंबर से साथ उनका कैलकुलेशन हो, तब उनका रिजल्ट हर हाल में क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। लेकिन अब एक लास्ट पेपर जो हमने पढ़ी उसमें पढ़ा था कि अगर दोनों इरेशनल हो, आई मतलब यहां अभी फिलहाल इरेशनल समझिएगा, ऐसे आई का इंडिकेशन जनरली
इंटीजर्स के लिए होता है। मैं यहां फिलहाल इस वीडियो में जो आई लिख रहा हूं उसका मतलब ऐसा समझिएगा, ये जो आई है हमारे पास ये इरेशनल, इरेशनल का कैलकुलेशन जब हम करते हैं, प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो इस परिस्थिति में जो रिजल्ट होता है या तो वो रेशनल हो जाता है या फिर मेरा इरेशनल हो जाता है। तो अब जरा देखिए कि ये भी मेरा इरेशनल है और ये भी मेरा इरेशनल है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हो सकता है रेशनल होगा, हो सकता है इरेशनल होगा। अगर इस टाइप का सवाल होता, क्योंकि इसमें भी सवाल दो तरीके की पूछी जाती है, ए रूट बी माइनस सी रूट डी, एक ऐसा सवाल होगा, मतलब क्या, जरा सवाल के टाइप को पकड़िएगा, यहां पर भी रूट यहां पर भी रूट, देखिए यहां पर भी रूट यहां पर भी रूट, और इसके बीच कोई नंबर होगी जो रूट से फ्री होगी, जैसे यहां क्या है तो वन है, फिलहाल यहां क्या है तो वन है, यहां ये ए और सी कोई कांस्टेंट हो सकती है। यदि हम बात करें दूसरा टाइप का सवाल ऐसा होता है, ए रूट बी माइनस सी, मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर रूट होगी, या तो इधर रूट हो सकती है, ये एक ही टाइप का सवाल हुआ, ए माइनस सी रूट बी, ये रूट भी इधर भी हो सकती है। अब जरा यहां देखिए कि इसमें इस रिजल्ट का आप यूटिलाइजेशन इजिली कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा है जिसमें एक नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच का यदि कैलकुलेशन किया जाए तो डेफिनेटली इनका रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। हालांकि हम दोनों को साबित करना भी सीखेंगे, दोनों को साबित करना भी सीखेंगे। तो पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर इस टाइप के प्रॉब्लम पर हम आएंगे। तो अब देखिए इसे साबित करने के लिए हम फिर से कॉन्ट्राडिक्शन का ही यूज करेंगे। अभी जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा मेथड है कि हम शुरू में उसे कुछ और मानेंगे और अपने माने हुए चीजों को ही खुद से गलत साबित करेंगे। तो देखिए हम यहां से फिर से मानते हैं कि लेट रूट थ्री माइनस रूट टू इज इक्वल टू एक्स बी अ रेशनल नंबर। स्टेप देखिएगा, बी अ रेशनल नंबर, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, टाइप कौन सा चल रहा है मेरा, ए रूट बी प्लस माइनस बी रूट सी टाइप प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी ऐसा ना था, सी रूट डी टाइप चल रही है, ये टाइप का प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं। पर तब प्लस माइनस के दोनों तरफ रूट होगा, एक ऐसा सवाल होगा जिसमें प्लस माइनस में से किसी के एक तरफ ही रूट होगी। तो अब यहां स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने का मतलब हुआ रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने पर रखा है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला पर रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी दो फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन यहां होगा। अब यहां पर हम जैसे इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे, तो पहला ए है तो यहां मैं लिखूंगा रूट थ्री का स्क्वायर, फिर माइनस टू एक जगह पर रूट थ्री, बी के जगह पर रूट सिक्स, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब रूट टू और रूट टू का स्क्वायर यहां लिखेंगे, फिर यहां एक्स स्क्वायर होगा। अब रूट थ्री का स्क्वायर हमने पढ़ा भी जस्ट इसी प्रीवियस वीडियो में, रूट ए स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ए होता है, तो रूट थ्री का स्क्वायर चूंकि थ्री है अंदर, तो यहां क्या कितना लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। और दूसरा भी पढ़ा हमने रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी बराबर रूट ए बी, मतलब रूट अंडर ए इंटू बी। अब जरा इसको देखिए, टू रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर, सॉरी यहां टू होगा, यहां टू था टू लिखेंगे, अब थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट अंडर सिक्स हो जाएगा, रूट अंडर ए इंटू बी मतलब थ्री इंटू टू सिक्स, प्लस रूट टू का स्क्वायर टू, और ये रहा एक्स स्क्वायर। क्लियरली ये माना मैंने ये रेशनल था या फिर इरेशनल था, इसमें स्क्वायरिंग की, जनरली इरेशनल रूट वाले स्क्वायर, रूट वाले में जब इरेशनल होती है तो स्क्वायरिंग करते तो रेशनल बनता है, तो एक प्रयास हमने किया इसको रेशनल से और रेशनल ले जाने के लिए। फिर भी अब देखते हैं हम यहां से बाकी सारे, इनका रिजल्ट कितना होगा, थ्री टू का फाइव होगा माइनस टू रूट सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर।
अब यहां से ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस टू रूट सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फाइव प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में। अब इस रूट सिक्स को हम अकेला छोड़ेंगे, जैसे ही हम अकेला छोड़ेंगे यहां से क्या लिखाएगा, रूट सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई माइनस टू। जिस तरह का कैलकुलेशन हमने पढ़ रखा है, फोर एक्स माइनस फोर एक्स बराबर फाइव, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई माइनस फोर, ये कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रखा है। जैसे यहां मैंने उसी तरीके से ट्रांसपोज यहां किया है। अब ये यहां पर देखिए, अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, एक्स रेशनल हमने माना था, फाइव मेरा रेशनल है, टू भी रेशनल है, और हमेशा याद रखिएगा एक चीज, रेशनल प्लस रेशनल, दो रेशनल नंबर का कैलकुलेशन, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे डिवीजन हो, हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। शर्त यही है सिर्फ डिवीजन में, कि डिवीजन में जीरो से हमें डिवाइड नहीं करना हो, अगर जीरो से डिवीजन होगा तो वो मेरा अनडिफाइंड होगा, याद इस बात का रहना चाहिए। तो अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू, ये सभी रेशनल नंबर पे कैलकुलेशन है, तो डेफिनेटली हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई माइनस टू इज रेशनल, बट रूट सिक्स इज इरेशनल। इरेशनल क्यों इरेशनल, रीजन लिखिए यहां, बिकॉज सिक्स इज क्या है, हमने थ्योरम पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, सिक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिखेंगे हम यहां सिक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर हमने लिख लिया कि सिक्स मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन भी बता दिए, और मैथ्स की दुनिया में एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं हो सकता, मतलब हमने जो माना ये जो रेशनल होगा ये स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हमारे मानने को गलत कर रही है। यहां पर फिर से लिखेंगे हेंस रूट सॉरी इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। इसके बाद हम लोग सिंपली लिख देंगे सो आवर एजम्पशन becomes wrong, becomes wrong, therefore root 3 minus root 2, क्योंकि हमने माना था rational, हम गलत साबित हो चुके हैं, तो definitely rational नहीं है, तो real number दो ही प्रकार का होता है, या तो rational नहीं तो irrational, तो rational हमने साबित किया कि ये नहीं है, तो definitely ये है क्या, तो is irrational। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव रूट फाइव प्लस टू इज नॉट अ रेशनल और ऑब्लिक इरेशनल, मतलब क्या कि या तो मेरा वो रेशनल नहीं है या फिर साबित करें कि वो मेरा इरेशनल है, तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा, ए रूट प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी रूट बी, मतलब देखिए प्लस माइनस के पहले, प्लस माइनस के पहले किसी एक ही तरफ रूट होगी, ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आया। अब इसे साबित करने के लिए जनरली हम तीन मैथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो अभी फिलहाल जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी पहले, अभी जस्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी है थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी थी, जो यदि मैं किसी रेशनल और नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का यदि सम करूं या उनका सब्ट्रैक्शन करूं या उनका प्रोडक्ट करूं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो सिंपल उस स्टेटमेंट को लिखकर भी ये बताया जा सकता है कि यहां पर टू मेरा रेशनल है, रूट फाइव मेरा इरेशनल है, टू खासकर मेरा नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो हम जानते हैं कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल होगा, तो एक स्टेटमेंट ऐसे लिखकर भी प्रूफ किया जा सकता है। अब दूसरा इसमें बताने का दो मेथड में, जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने मेथड पढ़ा है वो भी मेथड यहां हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं न्यू मेथड से जो हम इसे एक तरह से कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो प्रीवियस मेथड, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसे ये थोड़ी इजी हो जाती है। तो अब यहां पे देखिए कि इसे हम पहले मानेंगे तो वैसे ही मानना है, रूट फाइव माइनस टू इज
इक्वल टू एक्स बी अ रेशनल नंबर मानेंगे हम वैसे ही। अब इसमें क्या था कि पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने क्या किया था, इस पर स्क्वायरिंग की थी, इस पर स्क्वायरिंग की थी। अब यहां क्या है, इस टाइप में अगर आप चाहें तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, सिंपली यहां पर आपको ट्रांसपोज कर देना है जो इरेशनल नंबर को छोड़कर। अब जैसे इरेशनल नंबर को छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा देर के लिए थ्री होता तो मैं यहां थ्री लिखूंगा, तो मान लीजिए अब सिर्फ ट्रांसपोजिंग करनी है आपको x प्लस टू, इस टू को पहले भेगा, अब फिर रूट फाइव को मैं छोड़ूंगा, x प्लस टू y कितना हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा। अब बस सिंपल इतना ही करना है। अब इसके बाद आपको ये मेरा रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी मेरा रेशनल, अर्थात इन सभी रेशनल का कैलकुलेशन क्या होगा, तो एक रेशनल होगा। तो हम यहां पे बस अब लिखेंगे x प्लस टू बाई थ्री इज रेशनल, रेशनल बट रूट फाइव इज इरेशनल। फिर से रीजन लिखेंगे हम क्यों इरेशनल, क्योंकि 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। आई मतलब इरेशनल, आर मतलब रेशनल यहां मानेंगे आप, देयरफॉर हमने जो माना वो गलत हुआ, यहां पे लिख देंगे। सो आवर एजम्पशन बिकम्स या आवर सपोजिशन बिकम्स रॉन्ग, देयरफॉर बिकम्स रॉन्ग, देयरफॉर थ्री रूट फाइव माइनस टू इज इरेशनल, यही लिखे तो अच्छा रहेगा, देयरफॉर थ्री रूट फाइव माइनस टू इज इरेशनल। अब अगर प्रीवियस मेथड की बात करें तो सिर्फ हमें इसमें स्क्वायर कर आगे बढ़ना है, वो भी मैं करके दिखा देता हूं। लेट थ्री रूट फाइव माइनस टू इज इक्वल टू एक्स बी आ रेशनल नंबर। अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे थ्री रूट फाइव माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर थ्री रूट फाइव का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू ए बी, माइनस टू ए की जगह पर थ्री रूट फाइव, बी की जगह पर टू, फिर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर यहां से लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने का मतलब थ्री रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव, अब देखिए थ्री थ्री जा नाइन, रूट फाइव क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, फिर नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, अर्थात इसका रिजल्ट होगा हमारे पास 45, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 रूट 5 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से ट्रांसपोजिंग करनी है जैसे यहां किए थे, यहां से माइनस 12 रूट 5 पहले छोड़ेंगे, ये 45 और 4 को ऐड करेंगे, ये 49 होगा, फिर यहां से माइनस 12 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 49, फिर यहां से क्या करेंगे रूट 5 को छोड़ेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 49 बाई माइनस 12 ट्रांसपोज किया हमने। फिर से अब स्टेटमेंट जैसा स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है, अब यहां पर सिर्फ वो बदलेगा, वो स्टेटमेंट बदलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 49 बाई माइनस 12 इज रेशनल, रेशनल बट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। रीजन यहां भी लिख देंगे
जैसा हमने लिखा है पहले वहां भी, बिकॉज फाइव इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर आवर सपोजिशन बिकम्स रॉन्ग, हेंस थ्री रूट फाइव माइनस टू इज, क्या लिख देंगे हम, इरेशनल, क्लियर। नहीं तो ये हुआ, अब ध्यान ये रखना है हमें कि ये जब टाइप आएगी तो ये इस मेथड से भी बनेंगे, और ये जो प्रीवियस मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यूज किया था, इसे ठीक पहले वाले क्वेश्चन के लिए यूज किया, उस मेथड से भी ये बन रही है। अगर आप सारे मेथड्स को अच्छे से याद रखें, ध्यान में रखें, तो और अच्छी बात। अगर आप कम से कम एक मेथड पर ही काम करना जाने तो और भी अच्छी बात, क्योंकि एक मेथड से ही आप कंट्रोल करके चल सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सारे पार्ट जहां से हमने थ्योरम को प्रूफ करना सीखा है, इरेशनल नंबर के बारे में जानना सीखा है, ये सारे पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास, क्लास टेंथ में भी मिलेगा। तो इन चीजों को आप अच्छे से सीख ले, समझ ले, ध्यान रहे, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो जाए काइंडली कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। इस ध्यान दें आप, मैंने क्वेश्चन माइनस पर बनाया है और ऊपर प्लस लिखा था, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ये माइनस कर देता हूं मैं, तो ये सारा कैलकुलेशन अब मेरा माइनस पर आ गया है। और ऐसे टाइप्स को बनाने के लिए आप इन दो फॉर्मूलों को भी क्या करेंगे, कमांड में रखेंगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्क्वायर रूट नंबर्स को, स्क्वायर रूट नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।